हाय एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉमन कोल्ड के जो यानी प्रिवेंशंस क्या क्या है, उन सब के बारे में अच्छे से हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रोफाइलेक्सिस ऑफ कॉमन कोल्ड। तो सबसे पहले देखो, कॉमन कोल्ड का जो प्रोफाइलेक्सिस है वो क्या क्या है। ठीक है, तो अच्छा खासा प्रोफाइलेक्सिस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहला है पेशेंट को आइसोलेट रखना चाहिए। जिस शख्स को भी यानी जिस पेशेंट को भी कॉमन कोल्ड हुआ है, उसको क्या करना है, उसको बाकी पेशेंट से अलग रखना है, किसी अलग जगह पर रखना है। ठीक है, ताकि उसके टच में ना आ जाए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को स्टरलाइज कर सकते हैं, यानी सैनिटाइज़र लगाकर। ठीक है, कोट्स, क्लोथ्स, जो भी चीज़ें पेशेंट इस्तेमाल करते हैं उनको स्टरलाइजेशन करना चाहिए, उन पर सैनिटाइज़र लगाना या वॉश होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम बच सकते हैं कि कॉमन कोल्ड आपको नहीं आ सकते हैं। ठीक है, थेरेपी, इसका इलाज तो बहुत है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया इलाज है कि आप डॉक्टर से रिकमेंड करो कि एक एंटीबायोटिक्स दे दें। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स अगर आप डॉक्टर से ले लेंगे, रिकमेंड करेंगे, तो उस एंटीबायोटिक्स से आप ठीक हो सकते हैं। ये था कॉमन कोल्ड के प्रोफाइलेक्सिस थेरेपी के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अमोइबाइसिस जो है ये क्या होते हैं। ठीक है, देखो, अमोइबाइसिस इज अ टाइप ऑफ डिजीज। ये फिर से जिस तरह से अभी तक हमने डिस्कस किया है कि टाइफाइड, कॉमन कोल्ड जो डिजीज़ है उन सब के बारे में, उसी तरह से अमोइबाइसिस भी क्या है, एक तरह से एक डिजीज़ है। इसमें क्या होते हैं सर, इसमें जो है अगर हम देखेंगे तो इस अमेबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं। अमेबाइसिस को हम दूसरा नाम भी है, जैसे अमेबिक डायसेंट्री एंटराइटिस भी बोलते हैं। चाहे आप अमेबाइसिस बोलो, अमेबिक डायसेंट्री बोलो, चाहे एंटराइटिस बोलो, इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ करो, इसका सेम ही मतलब होते हैं कि अमेबाइसिस। ओके, तो अमेबाइसिस होने का मेन कारण ये देखो, एंट अमेबाइसिस। ठीक है, ये कारण है जिसकी वजह से अमोबाइसिस हो जाते हैं, कॉज। अब देखो, अमोबाइसिस होने का मेन कारण जो है यही है, एंट अमोबाइसोलाइटिका इज द मेन कॉज फॉर कॉजिंग अमोबाइसिस। अमोबाइसिस होने का मेन कारण एंट अमोबाइसोलाइटिका है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो सर, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। लोअर पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट अमोबाइसोलाइटिका हो सकते हैं। जब आपकी लोअर पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज पार्ट में अगर एंटामोबाइसोलाइटिका होगा, तो इसका मतलब है एक पर्सन को एमाबाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, दो माइट बी स्प्रेड टू लिवर बाद में, ये जो अगर ज़्यादा फैला तो ये लिवर में भी पहुंच सकते हैं, या आपके लंग्स में भी आ सकते हैं। उसके अलावा आपके ब्रेन तक भी ये जा सकते हैं। तो देखो सर, बहुत डेंजरस बीमारी है अमेबाइसिस। ठीक है, और ये किसकी वजह से आते हैं, एंट अमेबाइसोलाइटिका की वजह से आते हैं। अब देखो, ये एंट अमेबाइसोलाइटिका जो है आते कहाँ से, फैलते किस तरह से, बीमारी आती एक दूसरे से किस तरह से लग जाते हैं। ठीक है, तो जब भी इंसानों को एंट अमेबाइसोलाइटिका बीमारी लगते हैं, तो उसको लगने का मेन कारण होता है सर, या तो डायरेक्टली एंट अमेबाइसोलाइटिका बॉडी में घुसा होगा, या तो किसी खाने के थ्रू ऑरली वो आपके बॉडी में घुस चुका होगा। दो कारण हो सकते हैं, या डायरेक्ट या ऑरल। ठीक है, खाने के साथ, पानी के साथ, किसी चीज़ के साथ वो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में पहुंचा होगा। ठीक है, अब देखो, जब भी एंटामोबाहिस्टोलाइटिका का बहुत सारे लाइफ स्टेज को अगर देखें, बहुत सारे स्टेजेस है, इनमें अगर एक स्टेज को अगर हम देखें, टेट्रान्यूक्लियेट सिस्ट, ये जब टेट्रान्यूक्लियेट सिस्ट जो है अगर खाने के साथ इंजेस्ट करेंगे, खाएंगे, तो क्या होगा, कंटेमिनेट फूड और वाटर के साथ जब ये टेट्रान्यूक्लियेट सिस्ट को खाएंगे, तो आपकी बॉडी में पहुंचेगा। ये टेट्रान्यूक्लियेट सिस्ट जो है इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड स्टेज है, यानी ये इन्फेक्शन करते हैं आपकी बॉडी को, काफ़ी हद तक इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंटामोबा हिस्टोलाइटिका आपकी इंटेस्टाइन तक पहुंचने के दूसरे कारण हो सकते हैं, पेसिंग कैरियर है, जैसे हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई लेके आएगा आपकी बॉडी तक, खाने तक। कॉकरोचेज है, ये आपके खाने तक पहुंचा सकते हैं एंटामोबा हिस्टोलाइटिका को। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे पेसिव कैरियर्स हैं जिनके थ्रू एंटामोबा हिस्टोलाइटिका जो है
खाने तक पहुंचेगा, और खाने तक जब पहुंचेंगे फिर उसके बाद आपकी बॉडी तक पहुंचेगी। यानी एक तरह के ये पेसिव कैरियर का काम करते हैं, हाउस फ्लाई को क्रोच ये सारे हैं। ओके, इस तरह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक, सिम्टम्स देखो, आप एक शख्स जिसको इंटरमेबाइसुलाइटिका हो चुका होगा या अमेबाइसिस हो गया है, तो उसको अगर ये सारे हैं तो क्या क्या निशानियाँ हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनके बेस पर हम कहेंगे कि इसको इंटरमेबाइसुलाइटिका है यानी अमेबाइसिस है। तो सबसे पहला देखो, मतलब पैथोजन सेक्रेट साइटोलाइसिन, सबसे पहले क्या है, पैथोजन जो है यानी एंटामोबाइसोलाइटिका जबकि आपकी बॉडी में होगा वो क्या करेगा, साइटोलाइसिन एंजाइम रिलीज करेगा। ठीक है, जब वो आपके इंटेस्टाइन में साइटोलाइसिन ये वाला एंजाइम रिलीज करेगा तो इस एंजाइम से क्या होते हैं, देखो ये इस एंजाइम से खराबी आते हैं, डैमेज हो जाते हैं। क्या सर? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा डैमेज हो जाएगा सर। ठीक है, यानी आपकी इंटेस्टाइन का सबसे इनर लेयर है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पैथोजन ने क्या किया, साइटोलाइसिन एंजाइम रिलीज किया। पैथोजन क्या है, पैथोजन है सर एंटामोबा हिस्टोलाइटिका, सर एंटामोबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, हिस्टोलाइटिका, ओके एंटामोबा हिस्टोलाइटिका, ई एंटामोबा। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब उससे क्या होगा, जब आपकी इंटेस्टाइन में ये साइटोलाइसिन इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं, फिर डैमेज होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अल्सरेशन को लीड कर सकते हैं, या अब ये इंटेस्टाइनल जख्म ही नहीं बल्कि अल्सर बन जाते हैं। ठीक है, एक तरह के कैंसरस है, कैंसरस पार्ट इंटेस्टाइनल कैंसर हो जाते हैं। ठीक है, पेरिटोनिटिस हो सकते हैं, ठीक है, एक्यूट डायरिया हो सकते हैं, ठीक है, ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, स्टूल में अगर हम चेक करेंगे तो ब्लड और म्यूकस होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, ठीक है, नौसिया हो सकते हैं। ठीक है, एक्यूट डायरिया मीन्स पेरिटोनिटिस, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है लेकिन चलो देखते हैं। एक्यूट डायरिया, एक्यूट डायरिया जो है वो क्या है, मतलब बहुत हद तक, काफ़ी हद तक डायरिया हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टूल को, इस पर्सन पेशेंट के अगर स्टूल को चेक करेंगे, उसके ब्लड में, उसके म्यूकस में क्या होगा, इंटरमेबाइसुलाइटिका होगा, स्टूल के साथ ब्लड आएगा, स्टूल के साथ म्यूकस आ जाएगा, और साथ ही साथ में अगर उसके एब्डोमिनल, उसमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन आएगा। ठीक है, यानी उसके एब्डोमिन में काफ़ी पेन आ जाएगा, और उसके अलावा वो नौसिया होगा, नौसिया मीन्स उसको, उसके बॉडी में वॉमिटिंग लाइक फीलिंग, यानी वॉमिटिंग होने वाला है, जस्ट वॉमिटिंग होता नहीं है लेकिन होने जैसा फीलिंग आते हैं, नौसिया हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं। अब इसमें एक एक वर्ड रहते हैं पेरिटोनिटिस, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे बाद में, अच्छे से देख कर आपको बताऊँगा। ठीक है, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो उसके अलावा नर्वसनेस होगा, काफ़ी वो डरावना जैसा नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, परेशानी जैसा लगते हैं। ठीक है, जिसको भी अमेबाइसिस आ जाते हैं वो इस तरह नर्वसनेस हो जाते हैं। ठीक है, ये सारा सिम्टम्स है जिनके बेस पर हम अमेबाइसिस के बीमारी को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस को अगर हम देखेंगे कि अगर हम इस बीमारी का पता लगाना चाहते हैं तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो सर सबसे पहला और सबसे बढ़िया चीज़ है कि पेशेंट का स्टूल अगर हम चेक करेंगे, ठीक है, तो उसमें ब्लड होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टेट्रानिकुलेट सीस जो है ये प्रेजेंट होगा स्टूल में, फीसिस में, फीसिस बोलो या स्टूल में क्या प्रेजेंट होगा सर, टेट्रानिकुलेट सिस्ट। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को स्टूल पता होगा। प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस क्या होते हैं, देखो प्रॉपर सैनिटरी कंडीशन, अगर आपको स्टूल के बारे में नहीं पता आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस, इसके ट्रीटमेंट क्या है, यानी प्रिवेंशन कैसे करेंगे, किसी अगर बीमारी से बचना चाहे तो क्या करेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर बीमारी से, इस बीमारी से अगर बचना चाहे, कंटामिनेशन वो फूड और वाटर के साथ हो रहा है, फूड को साफ खाओ, वाटर को साफ साफ वाटर पियो। ठीक है, जब भी कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल साफ साफ चीज़ें इस्तेमाल करो, सैनिटेशन इज़ द प्रिवेंशन। ठीक है, सैनिटेशन करो, प्रिवेंशन हो जाएगा। एक दूसरा है सर,
जब भी आप सब्जियां खाते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सब्जियों को कवर लगा करो, बनाने के बाद सब्जियों को ईटेबल्स जो होते हैं ना, जो भी चीज़ खाने के लायक होते हैं, चावल, दूसरी चीज़ें, हाँ ये सब्जियां नहीं, ईटेबल्स है, कोई भी चीज़ें जो आम खाते हैं उनको क्या कहना, ढक्कन लगा कर रखना चाहिए, ताकि उसमें हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है, या दूसरे इंसेक्ट्स जो पैसिवली वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारा आपके खाने तक ना पहुंच जाए, इसके ढक्कन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी सब्ज़ी लाएँ, चाहे दूसरी चीज़ें लाएँ, तो उनको प्रॉपरली वॉश होना चाहिए, प्रॉपरली वॉश, सब्ज़ी वगैरह पकाना होगा अच्छे से पका कर, चावल भी पका कर अच्छे से, ठीक है, हाथ धोकर बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से सब्जियों को बनाना, उसके बाद चावल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉपर वॉशिंग के थ्रू, ठीक है। थेरेपी, इसका इलाज क्या है, इसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स है, जैसे इसमें क्या है, टेट्रामाइसिन है सर, ये कुछ ड्रग है, एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, एरियोमाइसिन है सर, ठीक है, उसके अलावा मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी इन ड्रग्स का इस्तेमाल करें तो ड्रग्स का इस्तेमाल डायरेक्टली अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं करना है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले डॉक्टर का रिकमेंडेशन ले लें, फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एरोमाइसिन, मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।